मिशन 24x7 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और फिर आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तिलहर विधानसभा के गड़िया बाजार पहुंचे, जनसभा में हुए शामिल। संबोधन के दौरान विपक्षियों पर बोला हमला, कहा पिछली सरकार में गुंडे हावी थे, अब गुंडे जेलों में। अमित शाह ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा पिछली सरकार में मौनी बाबा चुप थे और आतंकी घुस रहे थे देश में, हमारी सरकार में आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे सायांपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा प्रत्याशी तरवीर खान बोले, अखिलेश के स्वागत को तैयार है सायांपुर के लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ददरौल विधानसभा में की जनसभा, पिछली सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा 5 साल पहले बिजली सैफई और आजम खान को जाती थी और अब 24 घंटे प्रदेश में हो रही बिजली आपूर्ति। और देर शाम कुआं में भी योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित, करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री, बोले डबल इंजन की सरकार में पात्रों को दिया जा रहा डबल राशन। वाया से भाजपा प्रत्याशी चेतराम को जिताने की जनता से की अपील। सायांपुर के ददरौल विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उनका जोरदार स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रायोजित अपराध खत्म करने का काम हम फिर करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बिजली सैफई और आजम खान के लिए जाती थी, तो वहीं अब प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अपने संबोधन में कहा कि 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में दंगा करने वालों के चौराहों पर पोस्टर लगाए जाते हैं और उनके आने वाली पुस्तें भी इन्हें याद रखेंगी कि ये दंगाई थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल राशन दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 5,574 करोड़ रुपए का किसानों का गन्ना भुगतान करके रिकॉर्ड कायम किया है, तो वहीं सपा में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के आते ही किसानों का कर्ज माफ किया गया, यूपी में 68,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निगोही क्षेत्र के डंडिया बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने तिलहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के पक्ष में एक जनसभा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक जनसभा में शामिल हुए थे। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में गुंडे हावी थे और आज गुंडे जेल में हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में मौनी बाबा चुप थे और आतंकी देश में घुस रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने आतंकियों को घर में घुसकर मारने का काम किया है और आज जो भारत की ओर आँख उठाकर देखता है उसको करारा जवाब दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने धारा 370 हटाई थी तो विपक्षी विरोध में खड़े हो गए थे। वहीं अमित शाह ने संबोधन के दौरान लोगों को बताते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गुंडे जेलों से बाहर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल सायांपुर पहुंचेंगे। यहां वो नगर विधानसभा क्षेत्र के बरेली मोड़ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव के सायांपुर पहुंचने से पहले सभी तैयारियों को युद्ध स्तर पर मुकम्मल करने का काम जारी है। नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी तनवीर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिलेश यादव की जनसभा को सुनने के लिए जिले के युवाओं और सपा समर्थकों में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जनसभा में शामिल हो रहे हैं।
तेलहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा ने आज तेलहर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रोशनलाल वर्मा के रोड शो में बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। रोशनलाल वर्मा ने रोड शो अपने गृहनगर निगोही से शुरू किया, जो कि विधानसभा क्षेत्र के कई जगह से होकर गुजरा। रोशनलाल वर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके विपक्षी बौखलाए हुए हैं और क्षेत्र की जनता ने उनको जिताने का मन बना लिया है। कटरा पुलिस ने गैंग बनाकर लूट और चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। अभियुक्त शमसूल, बब्बू, हरीश, सोमवीर और जाबिर अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। अभियुक्तों के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एसपी एस आनंद का कहना है कि अभियुक्तों द्वारा अपराध कर अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम को पुआया में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे। दरअसल यहां मुख्यमंत्री को शाम 4 बजे भाजपा प्रत्याशी चेतराम के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन मुख्यमंत्री 2 घंटे की देरी से पुआया पहुंचे। मुख्यमंत्री के देरी से यहां पहुंचने पर उनके समर्थकों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पहुंचे समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और थोड़ी देर समर्थकों को संबोधित किया, जिसके बाद वो फिर से हेलीकॉप्टर से पुआया से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुआया जनसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारी सरकार में बेहतर बिजली आपूर्ति की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर पात्र तक डबल राशन पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि पिछली सरकारों में इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा पहुँचाया जाता था, वहीं अब हमारी सरकार बुलडोजर ढूंढ कर लाई है और जिन्होंने गरीबों का हक छीना है उनसे पैसा निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन को समाप्त करने से पहले पुआया प्रत्याशी चेतराम के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील भी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल पुआया विधानसभा के खुटार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। यहां स्वतंत्र देव सिंह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह पुआया से भाजपा प्रत्याशी चेतराम के समर्थन में जनसभा करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह के खुटार पहुंचने को लेकर भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। भाजपा प्रत्याशी चेतराम का कहना है कि वह एक बार फिर से पुआया विधानसभा में जीत का परचम लहरा रहे हैं, इसके चलते भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षियों की जबरदस्त हार होगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी कल दोपहर बाद 3 बजे तेलहर के LBJP इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।